हाय किड्स, आज देखिए हम जो क्लास फिफ्थ का आपका जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर का टेस्ट का वो वाला सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 3.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो। आप देखो रेखाखंड खींचो का मतलब है कि आपको एक लाइन खींचनी है 3.6 सेंटीमीटर की। अब देखो ये हमारा स्केल है तो इसमें हमको 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। सिंपल है, ये हो गया आपका 3.6। ओके तो यह हुई आपकी लाइन। अब देखिए अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है आयत का परिमाप निकालना है। अब एक आयत हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ये 4 बाई 2 का 4 मीटर इसकी लेंथ है और 2 मीटर इसकी ब्रेथ है। तो परिमाप के लिए हमको सिंपल आपको पता है कि क्या करना होता है, यहाँ पर भी आपको 4 लिखना है और यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है और सबको ऐड कर देना है। तो 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12 हो गया आपका मीटर। अब आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं लंबाई को चौड़ाई से। ओके एल इंटू तो हो जाएगा 4 इंटू 2, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, 8 स्क्वायर मीटर। एक केला 4 रुपये 50 पैसे का है, 4.50 रुपये या 4 रुपये 50 पैसे की होता है का है, तो एक सही 1/2 या 1.5 दर्जन केले कितने रुपए के होंगे। अब देखिए एक केला तो 4.50 रुपये का है, तो अब वो बोल रहा है 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मतलब कितने हो गए टोटल केले, 1 दर्जन में होते हैं 12 और आधा दर्जन में हो गए 6, तो टोटल कितने केले हो गए 18। अब एक केला 4.50 रुपये का है तो सारे केले कितने रुपए होंगे, क्या करना पड़ेगा, सिंपल है गुणा करना पड़ेगा। तो 18 को आप किससे गुणा करोगे, 0.50 से। अब देखो 18 0 को 0, 18 5 से 90, 18 4 से 72 और 9 81। 81.00 क्या हो गया रुपये। दशमलव के बाद 0 0 का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कितने रुपये के किले आएंगे, वो 81 रुपये के। अब देखिए 5 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 5 किलोमीटर में कितने हो गए, सिंपल है 5000। 1 किलोग्राम 600 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 और 600 ग्राम है, देखिए 1 किलोग्राम 600 ग्राम को केजी में लिखना है, तो केजी में कितना हो जाएगा ये 1.6 केजी, या अगर ग्राम में अगर हमको उसको लिखना होता तो कितना होता, 1600 ग्राम, सिंपल है। ओके विस्तारित रूप लिखो। अब देखो 5.767 को विस्तारित रूप लिखना है हमको, 5 प्लस, अब देखो पॉइंट के आगे जब भी कोई डिजिट्स होती हैं तो उसको उसके नीचे से लगाते हैं हम, क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट के बाद, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लगेंगे तो 100 हो जाएगा। ओके ठीक है,